हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, आपने इनको अरेंज करना है और अरेंज करके आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। हम आपको संख्या का निर्माण बताते हैं किस प्रकार करना है। हमारे पास यहाँ पर तीन अलग अलग अंक हैं, एक है फोर, दूसरा है टू और तीसरा है थ्री। ठीक है, तो हमने इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है, तो आप कर सकते हैं, और इसमें बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले आपको पता है क्या करना है कि यदि हमें सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है, तो आपको पता है अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन अंक है, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। हमारे पास जितने अंक होते हैं उतने ही हमारे अंकों की संख्या बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की, तो यहाँ पर हमारे पास अंक है 4, 2, 3 में से आप देखें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 4। ठीक है, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि सैकड़ा तीन अंकों में सबसे बड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पर हम रख देंगे सबसे बड़ा अंक वो है 4। ठीक है, अब आती है दहाई की बात। ठीक है, दहाई सैकड़े से पीछे वाला, और उसमें लिखते हैं हम कि 4 से जो छोटा है वो कौन सा अंक है। हमारे पास दो अंक है, 2 और 3, तो इसमें से 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम दहाई पे लिख देंगे 3। उसके बाद हमारे पास बच जाता है 2, तो हम इसको लिखते हैं इकाई के अंदर। ठीक है, तो ये बनती हमारी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 432। अब संख्या वैसे और भी बहुत सारी बन सकती है इन अंकों से, लेकिन हमने बनानी क्या है सबसे बड़ी। उसके बाद हम देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। अगर हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली है, तो हम इसका सबसे छोटी संख्या बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, वही हमारे पास इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। ठीक है, अब हमें इन इकाई, दहाई और सैकड़े के अंदर ये देखना है, सबसे पहले अगर हमें छोटी संख्या बनानी है तो हम सबसे छोटे अंक को लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक में क्या है, 2 है, देखिए वही संख्या है 4, 2, 3, तो सबसे छोटा अंक हमारा 2 है, तो हम यहां लिख देंगे 2। और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा हमारे पास 3 है, तो दहाई में हम 3 लिख देंगे, और इकाई में हम लिखेंगे सबसे बड़ा, जो पीछे बच गया वो हमारा 4, यानी कि जो 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4। ठीक है, यानी कि हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं और इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं। अगर बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अगर हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार हम अंकों को लिखते हैं। ठीक है, आगे है हमारा 1, 4, 3। ठीक है, इनसे हमें बड़ी, सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है। तो आपको पता है क्या लेते हैं हम इस पहले, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है यहाँ पे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो 431 हमारा सबसे बड़ी संख्या जो आ जाती है। एक बात अगर ध्यान में देखें कि जो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, अगर हम इसको अपोजिट करके यानी कि उल्टा करके लिख देंगे, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। 0 अगर किसी के अंदर है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन बाकी अगर बिना 0 के है तो उसमें ये नियम लागू होता है। 4, 3, 1, और इधर कर देंगे हम पहले 1, फिर 3 और फिर 4, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। जैसे ये था 4, 3, 2, ये हो गया 2, 3, 4, 3, 4, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार 2, 0, 4, अब यहाँ पर इसमें 0 है, इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी जो संख्या है वो लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 है, उसके बाद 4 से छोटी क्या है, 2 है, और 2 के बाद क्या है, 0, तो हमारी संख्या बनेगी 4, 2, 0, 4,
4 20 420. अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला जो इन दोनों में लगाया वो नहीं बना सकते कि पहले जीरो लिख देंगे फिर टू लिख देंगे फिर फोर लिख देंगे। अगर हमने लिख दिया इसको ऐसे जीरो टू और फोर तो इसमें हमारी यह है तीन अंकों की संख्या नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? अगर हम किसी अंक के आगे जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब वो काउंट नहीं होती, काउंट होती है वो बीच में या पीछे। तो इसमें ये दो ही अंकों की संख्याएं मानी जाती है तो इसको हम 024 नहीं लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने कहा कि सबसे पहले छोटा अंक, अब हम जीरो वैसे छोटा अंक है लेकिन जीरो को शुरू में नहीं ले सकते तो जीरो से बड़ा क्या है टू, तो हम यहां लिखेंगे पहले टू, अब इसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम जीरो और इसके बाद क्या बचेगा हमारा फोर, तो 204 204 हमारी सबसे छोटी इन तीन अंकों से संख्या बन जाती है। क्लियर है? और सबसे बड़ी बन गई 420। उसके बाद हमारा अंतिम सवाल है 3 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है 3 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 1। तो ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बन जाती है। अगर हम इसका ऑपोजिट करना कर दें तो सबसे छोटी संख्या बनेगी वही फॉर्मूला 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारी सबसे छोटी तीन अंकों की संख्याएं बन गई, सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक है, लेकिन जीरो के अंदर ये पैटर्न लागू नहीं होता, जहां पर जीरो नहीं है हम सबसे पहले इसकी बड़ी संख्या बना देंगे फिर हम उसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, पहले इधर से फिर इधर से फिर इधर से, तो हमारी बन गई सबसे छोटी संख्या। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हम आपको 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप हमारे स्क्रीन में जो शुरू में नंबर दिया जाता है वो नंबर मेरा ही है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी तुरंत हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।